सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका भाई अलवादी और आप देख रहे हैं अलवादी व्लॉग्स। ये देख लो बेचारा कैसे बैठा हुआ, बीमार हो रखा है, कैसे वेट कम हो गया इसका। तो गाइस मौसम ही ऐसा चल रहा है, सारे बीमार हो रखे हैं भाई। अभी विनीत भी अपनी मम्मी को दवाई दिलाने गया, आंटी की भी तबीयत खराब हो रखी है, अभी मेरे पास आता ही होगा, फिर हम जिम भी निकलते हैं। तो गाइस अभी सानू का स्कूल से लाने का टाइम हो चुका, अभी चलते हैं। बाय करो मैम को, बाय। उधर है मैम, हमारे में चल। आज सानू बुलेट पे जाएगी घर पे, बैठो। उल्टी उल्टी बद्दी है, सीधी बद्दी पहनो। इतना भारी बैग लेके जाती है सानू, और पढ़ना लिखना कुछ है नहीं इसको। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो पहन लो, नहीं ऐसे कैसे नहीं। तो गाइस विनीत भी आ चुका है, खिला ला दवाई आंटी को। हां भाई, जा रहा है अंदर। बोले चल, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ, चल अंदर। अभी जिम में जा रहे हैं, चलो भाई। जिम के बाहर तो आ चुके, और भाई आज पता नहीं कितने महीनों बाद अपनी बुलेट लेके आया हूँ। इसको मैं इसलिए नहीं निकालता क्योंकि इसका साइलेंसर चेंज है भाई, तगड़े पटाके मारता है। अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो सीधा इंपाउंड कर देंगे भाई। आवाज तेज है इसकी बहुत ज्यादा, इसके पटाके इतनी तेज लगते है, मार के दिखाएंगे आपको। पहले जिम चलते अभी। तो गाइस अभी वर्कआउट तो हो चुका है, हो गया भाई तेरा, चले। सो गाइस वर्कआउट करके अभी घर तो आ चुका भाई। जैसे ही बाइक स्टार्ट कर रहे थे ना भाई, आसपास वाले सारे देख रहे थे भाई। पटाखे मार के दिखा दे, मार दे मार दे, ना मत मार, भाग जा भाई दूर, भाग जा, भटक जाएगा। ये देखो पहले कार बंद कर लिया भाई। भाई साहब इतनी तेज आवाज कर रही थी। सो गाइस ये देखो कैसे सर्कल बना दिया, और भाई ये तो 550 cc बुलेट है भाई, इतनी भारी है यार ये। ब्लेंडर ब्लेंडर होती तो उसके तो इतने चक्कर घुमा दे, 50-100 कितने चक्कर घुमा लो उसके तो। 400 कितनी घुमाई थी यहीं पे भाई साहब, वो तो इतनी हल्की थी भाई साहब, ये तो कम से कम 20 में कितना वजन है, पैर तोड़ देगी, पैर तोड़ देगा अगर गिर गई तो भाई। सो गाइस अभी विनीत भी अपने घर जा चुका, अभी मैं भी नहा धो के खाना पीना खा लेता हूं, और भी अपनी बुलेट की बात चल रही है करोल बाग में, इसको भी तगड़ी मॉडिफाई करा देंगे भाई। अभी इतनी तगड़ी है, बाद में तो देखना इसको मॉडिफाई करा के कैसा कर देंगे। तू कहाँ जा रहा है, देखो भाई कैसे पलट गया, क्या मस्ती आ गई इसमें भी। अरे क्या चक्कर है, ये देखो भाई सानू की 4x4 गाड़िया क्या हाल कर रखा है, कपड़े सुखाए जा रहे हैं इस पे, जब बेइज्जती है। सो गाइस ना दोगे, मैं तो तैयार हो चुका था। तो भी लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा, हम उस दिल्ली के अड्डे पहुंच गए थे, पर भी उस टाइम पे रात बहुत ज्यादा हो रखी, और भी अंदर जाना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता क्योंकि गेट वगैरह भी सारे बंद थे, और भी दीवार कूद दिया जाते तो वहाँ पे भी तार लगे हुए थे, तो भाई कहीं से भी पॉसिबल नहीं हो पाया। अभी मैं निकल लिया भाई, मोहित और विनीत को लेने जा रहा हूँ, और भी अभी तो दिन की रोशनी भी, अभी अंदर घुसने का कहीं ना कहीं से तो रास्ता मिल ही जाएगा। सो गाइस अभी अपने सब्सक्राइबर में कितनी देर आ रहे थे पीछे, 20 मिनट तो आवाज भी नहीं लगाई तूने, फिर आवाज मैंने लगाई थी फिर आप। अच्छा शीशे बंद थे ना तो अंदर आवाज नहीं गई थी। सो गाइस अभी अपना एक और सब्सक्राइबर मिल गया था, बाइक से ही रास्ता रोक दिया इसने तो। भाई कैसे हो, बढ़िया भाई आप सुनो, बढ़िया। क्या नाम है, मोहित राव। सो गाइस विनीत भी आ चुका है भाई, मोहित कहाँ है, बोला कि यार मैं नहीं जा सकता आज, मेरे घर वालों ने वीडियो वगैरह देख ली, ये चुड़ैल उड़ेल वाली, तो उसके घर वालों ने मना कर दिया भाई। तो उसको बता तो देता यार उसके अड्डे पे चलना आज, बोला था कि उसके अड्डे पे चलना है, तो बोला कि आज तो बिल्कुल नहीं निकल पाऊंगा, अगली बार किसी और बहाने से निकल लूं। अरे अब फिर हम दोनों ही चले यार वहाँ पे, और क्या करे, चलना पड़ेगा। 2-3 बंदे होते तो और ठीक रहता यार, 2 बंदों में थोड़ा रिस्क नहीं रह जाएगा अगर वहाँ पे कुछ हो गया तो। कोई नहीं भाई चल देखें चलने के बाद, आशीष भी तो नहीं है, मैंने की थी उसके पास, आशीष भी नहीं था, नहीं भाई आशीष भी गया हुआ है भाई, जस्ट अभी 2 बंदे बचे हैं, आशीष मोहित वगैरह तो कोई भी नहीं आज यहाँ पे, तो भाई अभी 2 ही बंदे जा रहे हैं। तो भाई जी देखो कैसा टॉयलेट का रखा है। सो गाइस अभी उसी रास्ते पे आ चुके हैं, कौन सी गली थी भाई, मेरे तो गली भी ध्यान नहीं, यही है भाई यही गली, यही है इसी में कीचड़ भरा हुआ भाई। गाइस अभी उसी गली के वहाँ पे तो आ चुके हैं भाई, वो यहाँ पे मिलेगी भाई, देखते हैं बार चल के, गाड़ी का तो रास्ता नहीं है, पैदल चलना है क्या, और क्या पैदल ही चलेंगे, गाड़ी यार फंस जाएगी देखो कीचड़ कितना आगे। तो गाइस देखिए ये प्लॉट है, इस पे तो ताला लगा हुआ है, और भाई साहब ये देखो इस प्लॉट के अंदर घुसी थी वो, दीवार कूदने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर शीशे लगे हुए हैं, खुला हुआ है शायद, खुला हुआ है भाई, अंदर कैसे जाएं यार, वहाँ पे तो शीशे लगे हुए हैं, यहाँ पे जाल लगे हुए हैं भाई, तो कितना
पे तार लगे हुए है भाई। ये देखो दीवार पे तार। एक काम करते हैं भाई, यहाँ से कूद के चलना पड़ेगा। हाँ, इस पे पैर रख ले, मैं पीछे से थोड़ा पुश कर देता हूँ, ध्यान से चढ़िए ऊपर ना लग जाए। तो भाई फाइनली अंदर तो आ चुके हैं भाई। सब कैसी जगह है यार ये, कितनी गंदी स्मेल आ रही है, अजीब सी कुछ सड़ने की स्मेल आ रही है भाई। भाई साहब ये देखो कैसे खंडर वगैरह बने हुए अंदर, कितनी प्याज पड़ी हुई है इसमें भाई। इन प्याजों की सड़ने की स्मेल आ रही है, ये इतनी बुरी भाई साहब। पूरा तालाब सा बना रखा है यार प्याजों का। पानी है या क्या सीन है, देखियो कितना ब्लैक है भाई ये यार, सड़ रखा है पानी आसपास। ये देखो कैसे खंडर बना रखे है, अंदर चल के देखते हैं भाई। भाई साहब पीछे से तो नहीं आ रही वो आवाज, आ रही मेरे को आवाज। हाँ भाई कमरे में जाके देखो। ओए भाई साहब, भाई ये देखो कैसे डोल बना रखी है प्याजों की भाई। वो ब्लैक है। यहाँ पे तो यार इसके अलावा कोई भी चीज नहीं पड़ी हुई। वो गई कहाँ पे, यहाँ पे तो है ही वो। देखो प्याज से डोल बना रखी और बाल क्या हुआ, आवाज आ रही है भाई। छिपके देखते तो जल्दी उस उधर आ जा। वो गाइस अभी दीवार के पीछे बैठे हुए यहाँ पे वेट कर रहे हैं भाई। भाई सामने से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। वो गेट तो बंद था, वो आएगी कहाँ से। ठीक है भाई, तो उस दीवार के पीछे चला जा। गाइस अंदर अभी वेट करते काफी देर हो चुकी थी, अभी बाहर आके गली में देख रहे हैं भाई कहीं पे भी कुछ भी है। वो आवाज कैसी आई थी एकदम से, तो ऐसा लगा जैसे वही आई हो। एक काम करते हैं यहाँ पे कैमरा लगा देते हैं और भाई उसमें चेक करेंगे आने के बाद की सीसीटीवी में क्या कैप्चर हुआ है। ये दीवार सही है, यहाँ पे लगा दे भाई। जब यहाँ पे कैमरा भी सेट कर, अभी काफी देर हो चुकी है यहाँ पे वेट करते हुए, हमें नहीं लगता कि वो आएगी। और भाई कितना वेट करे यार, कितनी देर हो गई यहाँ पे वेट करते हुए। और भाई अंधेरा भी कितना हो चुका है भाई, घर निकले यहाँ से। हम भाई कैमरा तो सेटअप वहाँ पे कर ही दिया, अभी निकल लेते हैं, कल आगे चेक कर ले उसमें क्या कुछ कैप्चर होगा। तो इस चीज का तो पक्का है कि उसका यही ठिकाना है। और भी हमने सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया, अभी कल आगे इसकी फुटेज चेक करेंगे इसमें क्या कुछ कैप्चर होता है। प्याज रोटी मांग के लाती है और यहाँ पे आके ब्लैक मैजिक करती है सब भाई। वो कैसा वुडू डोल सी नहीं बना रखी थी प्याज से। हाँ वही तो समझ में नहीं आया भाई, तो चलो उसके हाथ वगैरह नहीं लगाया, नहीं तो कुछ हो सकता है, दिक्कत हो जाती भाई। अजीब सा बना रखा भाई, वो पूरा तालाब उसमें प्याज ही प्याज थी और भाई पता नहीं कैसा काला पानी हो रखा था भाई। बिल्कुल अजीब सी जगह थी, इतनी नेगेटिव वाइब आ रही थी अंदर जाते ही। सीसीटीवी में सब कुछ कैप्चर हो जाए, कल देख ही लेंगे आके। तो गाइस अभी वहां से तो आ चुके हैं, वहां पे तो कैमरा लगा दिया था हमने। और भी रुकने में तो हम दोनों बंदे 24 घंटे वहां पे रुक जाते हैं, पर भाई एक दिक्कत हो जाती है, दोनों में से एक भी बंदे कुछ हो जाता है ना तो भी दूसरे के लिए सारी चीजें करना भारी हो जाती है भाई। तीन चार बंदे होते हैं ना उसमें फर्क रहता है, एक को कुछ हो जाए दो तीन रह तो जाते हैं संभालने के लिए, इसलिए हमने ये रिस्क लेने की सोची नहीं भाई। और क्या पता भाई दोनों पे ब्लैक मैजिक कर देती, किसी को बता के भी नहीं आए हुए कि यहाँ पे आए हुए हैं। अभी सीसीटीवी कैमरा तो लगा दिया था, कल इसी क्लिप में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो गाइस वहां पे वेट करते करते काफी देर हो चुकी थी, वहां पे भूख लगी थी, अभी खाने पीने आए हैं। गाइस अभी खाना पीना तो खा लिया था, अभी मोहित के हमारे पास कॉल आएगी भाई, फ्लैट से फोन आ रहे हैं मेरे पास बार बार, एक बार फ्लैट पे जाके देखो क्या सीन हो रहा है यार। किसने कॉल कर दी, उसके पास क्या हो गया फ्लैट, गार्ड ने कर दी यार, बोल रहे कि तुम्हारा बिल्डिंग में बस तुम्हारा फ्लैट अभी ऑक्यूपाइड है, बाकी सारे हमने खाली करा रखे, और तुम्हारे में से पता नहीं अजीब सी चीजें हो रही है कुछ, और भी लाइट भी ब्लिंक कर रही है तुम्हारी यार। समझ में ही नहीं आ रहा क्या, इलेक्ट्रिसिटी में तो कुछ दिक्कत नहीं आ गई है पता नहीं यार। एक बार अभी फ्लैट साइड जाके देख रहे हैं, वो बोल रहे कि भाई अपना खाली करा दो, चाबी हमें दे दो, एक बार जाके देखते क्या सीन है यार। जल्दी चल कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए वहाँ पे, पता नहीं क्या सीन हो रहा है। मेरे ख्याल से कल लाइट वाइट ऑन तो नहीं रहेगी थी यार। मोहित की कॉल आ रही, अरे जाने लग रहे हैं भाई, बस दो मिनट में पहुंच जाएंगे भाई। क्या हो गया ऐसा वहाँ पे, शॉर्ट सर्किट वगैरह तो नहीं हो गया है भाई। वो तो गार्ड तो यार आवाजों की बोल रहे थे यार, वो चुड़ैल तो नहीं आ गई भाई वहाँ पे। भाई साहब अगर आवाज कर रही है तो भाई वही पोची होगी, अगर गार्ड वगैरह ने उसको ये चीजें करते देख लिया ना भाई, वो तो फ्लैट खाली करा देंगे और पता नहीं वहाँ पे सीन हो जाएगा। और गाइस वो चुड़ैल अगर वहाँ पे आ रखे तो भाई गार्ड भी अंदर नहीं जाएंगे, वो तब से हमें बोल रहे कि भाई तुम जाके देखो तुम्हारा फ्लैट है, तुमने बोला था कि तुम ही रहोगे। उन्होंने तो सारे फ्लैट खाली करा ही दिए, बस हमारा ही तो रहता। और भी गार्ड खुद भी उससे डर रहे, कहीं वो अंदर देखने जाए और उनके ऊपर कुछ ऐसा सीन हो जाए। तो गाइस अभी फ्लैट साइड तो आ चुके हैं, ये देखो भाई इस पर तक सारी लाइट बंद पड़ी है फ्लैट की। ये ऊपर कौन है, ये तो थोड़े भाई साहब यार, छठ फ्लोर पे लिफ्ट क्या हुआ भाई, अंदर से लोग है यार ये तो। मैं चल जल्दी भाई, गेट कैसे बंद है यार, ओए जल्दी कूद अंदर भाई साहब। चुड़े ला रखे भाई, ओए ये तो कूद ब्लैक मैजिक कर रही है भाई साहब, ये लाइट ब्लिंक वहाँ पे हमने देखा था ना, प्याज की डोल बना रखी थी भाई, बना रखी थी यहाँ पे भी भाई साहब। ये देखो कैसी प्रॉपर डोल बना, मतलब ये सारी चीज यहाँ पे कर रही है और वहाँ पे फील हो रही है क्या, पकड़ेगा
भाई पकड़ेंगे कैसे, पास जाएंगे तो गायब हो जाएगी। और ये देख इसने ऊपर देख कैसे छाप रखी साइड में, ये देख लाल भाई खून से छाप रखे ये भाई साहब। ये देखो भाई अपने आस पास पूरा घेरा बना रखा है, ऊपर से नीचे तक क्या सीन हो रहा है यार। ये आग कैसे बढ़ गई भाई एकदम से, क्या कर रही है भाई यार, बाल देख इसके कैसे उठ रहे हैं। तो भाई अभी बाहर खड़े हुए हैं भाई, अंदर ये सीन हो रहा है ना भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, नहीं आ रहा भाई ये कैसे इन प्याजों को फोड़ रही है, क्या कर रही है भाई, भाई अब करे क्या हम दो बंदे क्या करे यार, ये चीज समझ में नहीं आ रही। उसको पकड़े भी तो कैसे पकड़े यार, मेरे को डर लग रहा है पागल है क्या, आवाज क्यों करती यार भाई साहब यार, क्या वो गई कपे भाई साहब। गेट तो अंदर से लॉक है भाई, भाई फ्लैट के बाहर तो कोई नहीं है भाई। भाई साहब विनीत ये क्या सीन हो रखा, देख इधर आके प्रॉपर वैसी डोल बनी हुई है जैसे वहां पे बनी हुई थी यार। इसका मतलब उसने ब्लैक मैजिक कर दिया भाई यार, तू इस सर्कल के अंदर आ गया हो भाई। ये सर्कल किस चीज का बना रखा, उसने ये किस लिए बनाया है यार। देख वो मेहंदी के थप्पों से बचती थी ना, उसने देख खून के थप्पे लगा रखे भाई यहाँ पे।